हमने पिछले पार्ट में देखा कि घर के अंदर के सभी सामान है। चोर को घर के अंदर खींचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डीजे और चोर वहाँ से किसी तरफ छूटकर अपने घर में भाग आते हैं। अगली सुबह हम एक जेनी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अच्छे अच्छे कैंडी बेचने के लिए आसपास के घरों में जा रही थी। इस दौरान वह डीजे के घर आती है, जहाँ पर उसे एलिजाबेल मिलती है। जेनी एलिजाबेल को कैंडी खरीदने के लिए फोर्स करती है, तो एलिजाबेल कुछ कैंडी छीन लेती है। इधर हम चोर और डीजे को देखते हैं कि कल रात कैसे उन लोगों पे उस घर ने हमला किया है, इसीलिए वह उस घर की निगरानी करने लगते हैं। क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं उस घर में किसी मिस्टेक चीज है। तभी वहाँ पर एलिजाबेल आती है और उन दोनों से बॉस के बारे में पूछती है। तब चोर एलिजाबेल को बताता है कि जब रात के समय वह रेवर क्रेकर के घर की तरफ गया था, तब उसे वही शराब की बोतल मिली थी जो बॉस की थी, और उन लोग को लग रहा है कि वह बॉस उसी घर के अंदर है जिसे कोई जबरदस्ती से अंदर रखा है। डीजे के इन बातों को सुनकर एलिजाबेल को थोड़ा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वह दोनों अभी छोटे छोटे बच्चे थे। इसके बाद चोर और डीजे देखते हैं कि जेनी कैंडी बेचने के लिए रेवर क्रेकर की घर की तरफ जा रही है, लेकिन किसी तरफ डीजे और चोर उस लड़की को उस घर के अंदर जाने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वह घर जेनी के ऊपर अटैक कर देता है, और वह घर जैसे ही जेनी के ऊपर नुकसान पहुंचाने वाला था, तभी चोर और डीजे उसे बचा लेते हैं। तभी एलिजाबेल घर से बाहर निकलती है, तो वह भूतिया घर पूरी तरह से फिर से सही हो जाता है, और इस तरह से जेनी उस घर के चंगुल से आजाद हो जाती है। तो डीजे यह बात भी एलिजाबेल को बताता है, लेकिन एलिजाबेल उसकी कुछ भी बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जेनी डीजे और चोर के साथ सिप कर लेती है। डीजे जेनी को अपने रूम में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वह फिर वह तीनों उस घर की निगरानी करने लगते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि घर के बाहर एक डॉग मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घर में से एक मैट निकलता है, जो डॉग को अंदर खींच कर लेकर चला जाता है। यह देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं, और जेनी सभी को बताती है कि मैं इस घर में हो रही इस सभी कामों को पुलिस के पास इन्फॉर्म करना चाहिए। इस कारण जेनी पुलिस को फोन लगा देती है, और कुछ देर बाद ही पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं, और वह तीनों पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बताते हैं। लेकिन वह पुलिस वाले उन्हें बच्चा समझकर उनके कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। वह तीनों पुलिस को बताते हैं कि उस घर में कोई मॉन्स्टर मौजूद है, जो सभी को अपने घर के अंदर निकल रहा है, और वह पुलिस को समझाने के लिए उस घर के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ताकि वह घर किसी तरह की मूवमेंट करे, जिससे उन पुलिस को भी पता चले कि उस घर में कोई अजीब सा मॉन्स्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, और वह पुलिस उनसे कहते हैं कि तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ। तो वह तीनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें। तब डीजे बताता है कि हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाकर यह सभी चीजें बताना होगा, ताकि वह हमें इस घर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे सके। इस कारण वह एक स्कूल नाम के आदमी के पास जाते हैं। वह आदमी उन सभी घरों के बारे में जान रहा था। अब इसके साथ आगे क्या होगा, यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 4।